नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका उमंग एकेडमी ए टू जेड में। ये दोस्तों अपना जो टॉपिक चल रहा था उसको ही कंटिन्यू करेंगे। इसमें बात करेंगे अपन समद्विबाहु त्रिभुज के बारे में। त्रिभुज के बारे में बात करते हैं, समद्विबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज अपन देख चुके थे, ठीक है। अब समद्विबाहु मतलब समद्विबाहु मतलब जिसकी दो भुजाएं समान हो वो होगा समद्विबाहु त्रिभुज, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ये जो मैंने एक त्रिभुज बना दिया है, ये जो इसकी ये वाली भुजा और ये वाली भुजा समान है, लेकिन ये वाली भुजा अलग है। लेकिन इसको हल करने के लिए एक मैंने लंब डाल दिया, जिसको H कहते हैं, जिसको लंबाई कह सकते हैं, ठीक है। तो वो डाल दिया मैंने, ठीक है। इतना आपको पता होगा, इतनी बेसिक सी जानकारी पहले वाले में पता कर चुके थे। तो इसका जो परिमाप होता है 2a + b होता है। कैसे होता है, पहले ही बता चुका हूं कि जब ए करेंगे प्लस में ए करेंगे प्लस में बी करेंगे तो बराबर में आ जाएगा एक और ए और जे, दो ए हो जाएगा और प्लस में क्या आ जाएगा बी आ जाएगा, जे क्या हो जाएगा इसका परिमाप हो जाएगा। इसके लिए मुख्य रूप से इसका जो क्षेत्रफल होता है, क्षेत्रफल 1/2 आधार गुणक ऊंचाई होता है। या फिर आपको कुछ नहीं दिया हुआ तो इस प्रकार से आप हल कर सकते हैं, कर्ण का वर्ग बटे में 4 बराबर में आधार का वर्ग बटे में 2 बराबर में लंब का वर्ग बटे में 2। यानी कुछ भी दिया हो, या तो कर्ण का वर्ग कर्ण दिया होगा, या फिर क्षेत्रफल दिया होगा, आधार दिया होगा, या फिर लंब दिया हो, कुछ भी दिया हो आपके पास, लंब दिया हो तो लंब का वर्ग बटे में 2, या यदि आपको लंब दिया, ठीक है, तो लंब का वर्ग कर दीजिए, लंब का वर्ग करना है बटे में 2 करना है, बराबर में आपका क्षेत्रफल निकल के आ जाएगा, ठीक है। जब ऐसा दिया हो, यदि लंब ने दिया तो कर्ण दिया हो तो कर्ण का वर्ग करना बटे में करना 4। इसको याद रखना है कि कर्ण में क्या है, कर्ण में बटे में 4 होता है और लंब और आधार में 2 होता है। बिल्कुल कॉन्सेप्ट आपको थोड़ा सा याद रखना है कि कर्ण होता है बड़ा, इसलिए उसमें बड़ी संख्या लगाई जाएगी उसके बटे में, ठीक है। आधार और लंब जो होते हैं उससे छोटे होते हैं, कर्ण जो होता है हमेशा ये दो मतलब लंब और आधार से छोटा होता है, लेकिन किन्हीं दो संख्याओं से छोटा तो होता है लेकिन इन दोनों से बड़ा होता है, आधार से और लंब से, ठीक है। तो इसमें आपको याद रखना है कि कर्ण में बटे में 4 होता है और आधार और लंब में कितना होता है, बटे में 2 होता है। कोई सी भी एक चीज दी हो, आधार दिया हो या फिर लंब दिया हो या फिर कर्ण दिया हो, उससे आप क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। या फिर आपको क्षेत्रफल दिया है तो आप कर्ण निकाल सकते हैं, क्षेत्रफल दिया तो आप आधार निकाल सकते हैं, क्षेत्रफल दिया तो आप लंब निकाल सकते हैं, ठीक है। इसमें एक चीज और पूछी जाती है कि समद्विबाहु समकोण त्रिभुज। तो समद्विबाहु क्या होता है, समद्विबाहु समद्विबाहु समकोण, समकोण त्रिभुज क्या होता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि समद्विबाहु तो होता है, एक जे कोण हो गया, इसकी जे वाली दो भुजाएं बराबर है, लेकिन यहां पर 90 का कोण बन रहा है, इसलिए क्या है समकोण कहलाएगा, जे भुजा क्या है बराबर नहीं होती है, ठीक है। तो ये बराबर होती है, ए बराबर होती है, जे बराबर नहीं होती है, ठीक है। तो इस प्रकार से देखना कि इसकी जे भुजा और जे बराबर समान है, ठीक है, लेकिन इसकी क्या है जे वाली क्या है, जे कोण जो है वो 90 डिग्री का बन रहा है। यहाँ पर देख रहे थे जे का जे वाला भुजा बराबर है, जे वाला भुजा बराबर है, लेकिन यहाँ पर 90 का कोण नहीं बन रहा था, ठीक है। तो इसमें याद रखना है कि जब इस प्रकार का आ जाए तो उसके लिए आपको इस सूत्र का प्रयोग करना है, जे समद्विबाहु समकोण त्रिभुज के लिए ये वाला सूत्र उपयोग कीजिए। यदि वो वाला त्रिभुज दिया हो, समद्विबाहु त्रिभुज, सिर्फ समद्विबाहु त्रिभुज दिया है, तो उसके लिए 1/2 आधार गुणक ऊंचाई यूज करना, ठीक है। किसी प्रकार का क्वेश्चन आए आपको त्रिभुज के ऊपर, इससे ज्यादा नहीं पूछा जाएगा, जो भी टेट का एग्जाम हो चाहे कोई सा भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, बस आपको कॉन्सेप्ट याद रखना है कि क्या पूछा गया है। तो समद्विबाहु समकोण त्रिभुज दिया हुआ है, ठीक है। अब इस पर क्वेश्चन किस प्रकार से पूछे जाते हैं क्वेश्चन देख लेते हैं। अब एक क्वेश्चन दिया हुआ है, एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 36 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो उसका आधार ज्ञात करो, ठीक है। एक दिया तो है समबाहु समद्विबाहु त्रिभुज दिया, लेकिन कैसा है समद्विबाहु समकोण त्रिभुज। समद्विबाहु समकोण त्रिभुज जो बनेगा वो कुछ इस प्रकार से बनेगा, ठीक है। मतलब नीचे की ये जो ये वाली भुजा समान होगी, ये वाली समान होगी, ठीक है, ये दोनों समान होगी, यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बनेगा, ठीक है। तो ये समान होगी, ये अलग होगी, ठीक है। अब क्या दिया हुआ है, क्षेत्रफल दिया हुआ है। अब समद्विबाहु समकोण त्रिभुज के लिए क्षेत्रफल मैंने बताया था कि क्षेत्रफल क्या होता है इसका, क्षेत्रफल बराबर होता है आपका कर्ण का वर्ग बटे में होता है 4 बराबर होता है आधार का वर्ग, आधार का वर्ग होता है बटे में होता है कितना 2, या फिर लंब का वर्ग, लंब का वर्ग बटे में होता है 2, ठीक है। तो आपको क्या दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, ये क्षेत्रफल दिया हुआ पूछ रहा, आधार का पूछ रहा, ठीक है। आधार भी निकाल सकते हो, लंब भी निकाल सकते हो, कर्ण भी निकाल सकते हो। आपको निकालने के लिए बोला गया आधार, तो आप इसको अलग कर दीजिए और इसको भी अलग कर दीजिए, ठीक है। क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, आधार का वर्ग बटे 2 हो जाएगा, ठीक है। क्षेत्रफल क्या दिया हुआ, 36 सेंटीमीटर दिया हुआ है, 36 सेंटीमीटर दिया हुआ है स्क्वायर में, ठीक है। बराबर में क्या दिया हुआ है, आपको आधार निकालना है, तो आधार आपको पता नहीं है कितना है, आधार का वर्ग
बटे में दिया हुआ है दो है, ठीक है। अब इसको हल करने के लिए इसको क्या करिए, दो को इस साइड ले आइए, तो दो को इस साइड ले आइए तो कितना हो जाएगा 36 इंटू 2 हो जाएगा, बराबर हो जाएगा आधार का वर्ग हो जाएगा, ठीक है, आधार का वर्ग हो जाएगा। अब इसको यदि हल करना है तो दो को इस साइड कर दीजिए तो अंडर रूट में आ जाएगा, अंडर रूट में क्या आ जाएगा 36 इंटू 2 आ जाएगा, ठीक है, ऐसा हो जाएगा। बराबर में क्या हो जाएगा, बराबर में आपका हो जाएगा आधार हो जाएगा। अब इसको हल करने के लिए और देखेंगे, तो यदि इसको मैं ना ऐसा हल करना है, मुझे देख रहा हूँ 36 × 2 = 72 होता है, वो 72 जो होता है किसी संख्या का वर्गमूल नहीं होता है, तो इसका जो मान आएगा वो अंडर रूट में आएगा। तो इसको यदि मैं लिखना चाहूँ तो इस प्रकार से लिख सकता हूँ, कैसे, इसका तो निकल सकता है ना अंडर रूट, तो इसका कितना वो 6 × 6 कितना होता है 6 × 6 × 2 ऐसा कर सकते हो, 6 × 6 = 72 ऐसे ही होगा, ठीक है। तो 6 क्या हो जाएगा, कॉमन आ जाएगा बाहर, ठीक है, तो 6√2 बराबर में क्या हो जाएगा आधार, ठीक है। तो आधार बराबर क्या हो जाएगा आपका, जब आधार जो है इसका जो मान निकल के आ जाएगा वो कितना आ जाएगा 6√2 सेंटीमीटर, इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा आपके क्वेश्चन का। तो इस प्रकार से इसको करना है, बिल्कुल आसान तरीके से कर दिया आपने, आपको इसका सूत्र मालूम था, वो इसका कॉन्सेप्ट मालूम था कि क्षेत्रफल बराबर होता है आधार का वर्ग बटे में 2 होता है। यदि कर्ण दिया होता है तो कर्ण के लिए आप क्या करते, तो कर्ण निकालना होता है तो कर्ण का वर्ग करते, ठीक है, बटे में करते कितना 4 कर देते, ठीक है, बराबर में बटे में 4 कर देते, यहाँ पर कितना 36 हो जाता है। इसके बाद में 36 आ जाता है, 36 × 4 बराबर में आ जाता है कर्ण का वर्ग आ जाता, ठीक है, कर्ण का वर्ग आ जाता। इसके बाद फिर यहाँ पर क्या आ जाता है, यहाँ पर अंडर रूट आ जाता, ठीक है, 36 × 4 बराबर में कर्ण का वर्ग आ जाता। इसको हल करेंगे तो इसका क्या होता है, इसका निकल क्या 2 और इसका निकल के आएगा 2, मतलब इसका 6 निकल के आएगा, इसका निकल के आएगा कितना 2 निकल के आएगा, मतलब 6 × 6 लिखेगा 2 × 2 ऐसे ही आ जाएगा, नहीं आ जाएगा, ठीक है, तो इसका 6 और इसका 2 निकल के आता, 6 × 2 बराबर कितना आ जाएगा 6 × 12 = 12 इसका क्या हो जाएगा कर्ण आ जाएगा इसका, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको सवाल हल करने हैं, ठीक है। एक और क्वेश्चन देखते हैं इसी पर आधारित, दूसरा क्वेश्चन देखिए, दूसरा क्वेश्चन दिया हो, एक समद्विबाहु त्रिभुज का आधार 12 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 9 सेंटीमीटर है, तो क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब स्पष्ट लिखा है समद्विबाहु, यहाँ पर ये नहीं बताया कि समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है, तो समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज सबसे पहले बना लीजिए, तो समद्विबाहु त्रिभुज यदि बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, ऐसे समद्विबाहु त्रिभुज बना लिया आपने, ठीक है, इसकी ये भुजा बराबर होगी, ये भुजा बराबर होगी, ये थोड़ी सी अलग होगी, ठीक है। अब उसने क्या बोला है कि आधार जो है 12 सेंटीमीटर की, यानी कि ये वाली भुजा जो कितनी है 12 सेंटीमीटर है, ठीक है, लेकिन क्या दिया, ऊंचाई दी, ऊंचाई तो इसमें है नहीं, तो ऊंचाई यहाँ पर डाल दीजिए, ऊंचाई जो हो जाएगी ऐसी जो हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी आपकी 9 सेंटीमीटर है, कितनी है 9 सेंटीमीटर है। अब निकालने के लिए क्या बोला है कि क्षेत्रफल निकाल दीजिए, तो क्षेत्रफल निकालने के लिए आपको सूत्र दिया होता है, क्या होता है सूत्र क्षेत्रफल निकालने का, 1/2 और क्या होता है आधार गुणित में ऊंचाई, आधार गुणित ऊंचाई यही सूत्र होता है, या फिर आधार गुणित लंब भी लिख सकते हैं इसको, ठीक है, तो यह सूत्र होता है। तो 1/2 लिख दीजिए, इसके बाद में आपको दिया क्या, आधार दिया हुआ कितना दिया हुआ, आधार दिया हुआ कितना दिया हुआ 12 दिया हुआ, गुणित में क्या करना ऊंचाई 9 कर दीजिए, ठीक है, 2 × 1 = 2 और 2 × 6 क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा, और 6 × 9 = 9 क्या कितना हो जाएगा 54, तो 54 सेंटीमीटर स्क्वायर लगाना ना भूलिए, क्योंकि जब भी क्षेत्रफल निकालते हैं तो वर्ग सेंटीमीटर वर्ग में निकालते, चाहे वो वर्ग सेंटीमीटर हो, वर्ग किलोमीटर हो, वर्ग जो भी दिया हो, इकाई हमेशा क्षेत्रफल की इकाई जो होती है वर्ग सेंटीमीटर वर्ग में ही होता है, ठीक है, तो 54 सेंटीमीटर क्या हो जाएगा इसका आंसर आ जाएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। अब आपको एक और क्वेश्चन देते हैं इसी प्रकार से, तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, किसी समद्विबाहु संपूर्ण त्रिभुज का कर्ण 10√2 सेंटीमीटर है, तो उसका लंब व आधार ज्ञात करो। इसको दो तरीके से ज्ञात कर सकते हैं, दोनों विधि से आप ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। पहली बात तो आपको इसमें कंफ्यूज करने के लिए दिया है कि लंब और आधार ज्ञात करो, अब आपको ऑप्शन में दे देगा कि आपके लंब और आधार क्या क्या होंगे, उसमें दो दो ऑप्शन दे देते हैं कई बार, कितना होगा 10 होगा और 12 होगा, या फिर 10 होगा, या फिर कितना होगा 8 होगा, या फिर 6 होगा, ठीक है, तो कंफ्यूज करने के लिए दे दिया, या फिर यहाँ पर क्या होगा 8 और 6 कर देगा, 6 और 8 कर देगा, यहाँ पर कितना कर देगा 6 कर देगा, ठीक है, तो इस प्रकार से कंफ्यूज करने के लिए आपको ऑप्शन दे देगा इस प्रकार से, ठीक है। तो लंब और आधार ज्ञात करना है, जब आपको पता है कि एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है, तो समकोण त्रिभुज समद्विबाहु समकोण त्रिभुज इस प्रकार से बनेगा, ठीक है, इस प्रकार से बनेगा,
कर्ण दिया हुआ, कर्ण दिया हुआ, ये होता है कर्ण, टेन अंडर रूट टू सेंटीमीटर दिया हुआ है, इसकी भुजा ये वाली बराबर होगी, ये वाली बराबर होगी, क्यों बराबर होगी, क्योंकि ये समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है, ठीक है, समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है, और समद्विबाहु समकोण त्रिभुज में समद्विबाहु मतलब दो भुजाएं क्या हो इसकी बराबर हो, ठीक है। तो अब इसको हल कर लीजिए। अब इसको हल कैसे करना है, इसको हल करने के लिए आपको क्या करना है, जो क्षेत्रफल का सूत्र होता है वो तो आपको पता होगा, क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, होता है कर्ण का वर्ग बटे में चार बराबर में, अब क्या पूछा है, लंब आधार दोनों पूछा है, तो कोई एक का मान रख दीजिए, तो क्या कर दिया यहाँ पर आप आधार रख दिए, ठीक है, आधार भी रख सकते हैं लंब भी रख सकते हैं, आधार का वर्ग बटे में क्या आ जाएगा, दो आ जाएगा, ठीक है। अब कर्ण का मान आपको दिया हुआ कितना दिया हुआ, टेन अंडर रूट टू दिया हुआ, बटे में आप चार कर दीजिए, बराबर में क्या कर दीजिए, इसका वर्ग है, ठीक है, यहाँ याद रखिए, इसके बाद में आधार आपको पता नहीं है तो क्या है, आधार ही रहने दीजिए, ठीक है, आधार हो जाएगा, आधार का वर्ग बटे में हो जाएगा दो, ठीक है, इतना हो गया। अब इसको यदि हल करेंगे, इसको हल करेंगे तो यहाँ पर टेन का वर्ग कर सकते हैं, बिल्कुल आप अलग से करते हैं, गुणित में क्या अंडर रूट टू का भी वर्ग कर सकते हैं, ठीक है, और बटे में कितना कर सकते हैं, चार कर सकते हैं, बराबर में आधार का वर्ग है ही, यहाँ पर आधार का वर्ग हो जाएगा, बटे में क्या हो जाएगा, दो हो जाएगा, इतना समझ में आया। अब इसके बाद में यदि आप इसको हल करेंगे, तो इसको यदि हल करेंगे तो ये जो वर्ग है और ये रूट क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा, ठीक है, तो इसका क्या होगा, यहाँ पर 10 का, इसका 10 का वर्ग करेंगे तो कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा, और गुणित में कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, बटे में दिया हुआ है 4, और बराबर में कितना दिया हुआ है, आधार का वर्ग दिया हुआ है, और बटे में कितना है, 2 है, ठीक है। अब इस 2 को मैं यदि यहाँ लाऊंगा, इस साइड लेकर के आऊंगा, या फिर सीधे सीधे यहाँ से इसको काट, 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, नीचे का नीचे कटता, ऊपर का ऊपर, यदि लाता तो फिर सीधे सीधे यहाँ पर लेकर आता मैं यहाँ पर, ठीक है, तो यहाँ से काट दिया 2 एकम 2 2 दूनी 4, ठीक है, तो मैंने नीचे का नीचे काट दिया, ठीक है। अब क्या बचा है आपके पास, 2 से 2 कट जाएगा, अब कितना बचा है, 100 बचा है, 100 बचा है, यानी कि आधार का वर्ग बराबर 100 है, तो आधार बराबर कितना हो जाएगा, आधार बराबर हो जाएगा आपका अंडर रूट 100, जो कि इसका मान कितना निकल के आ जाएगा, आधार बराबर आपका आ जाएगा 10 सेंटीमीटर, कितना आ जाएगा 10, 100 का वर्ग कितना होता, वर्गमूल कितना होता है 10 होता है, 10 सेंटीमीटर का क्या हो जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा आपका आधार, ठीक है। तो ये भुजा जो होगी वो 10 सेंटीमीटर होगी, ये भी क्या होगी 10 सेंटीमीटर होगी, ये आपको पहले से दी रखी है, ठीक है। चाहे आपसे क्षेत्रफल पूछता तो क्षेत्रफल भी निकाल सकते थे, यदि आपको जेब निकालने के लिए बोला है तो जेब भी निकल जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आपने हल किया, अब हल करने के बाद आपने देखा कि ये वाला ऑप्शन जो है इसका सही हो गया, यानी कि 10 इसका लंब है, 10 इसका आधार है, ठीक है। क्या पूछा था, लंब और आधार ज्ञात करो, दोनों एक ही है, लेकिन पूछा आपके अलग, डिफरेंस पूछा, तरीका पूछने का अलग था उसका, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको सवालों को हल करना है। एक और क्वेश्चन दिया है, चौथा क्वेश्चन दिया हुआ है, एक समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप 18 सेंटीमीटर है, तो उसकी पार्श्व भुजाएं व आधार का अनुपात 7:4 है, तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, यानी कि उस जो परिमाप है वो कितना है, 18 सेंटीमीटर है, और जो आधार है और उसकी पार्श्व भुजा है उसका अनुपात दिया है 7:4 दिया हो, ठीक है। कौन से त्रिभुज का, समद्विबाहु त्रिभुज का, ठीक है। तो समद्विबाहु त्रिभुज जो है वो इस प्रकार से होता है, इसकी दो भुजाएं एक समान होंगी ऊपर की, ठीक है। तो जे भुजा क्या है, जे वाली समान है, जे ए हो जाएगी, ये भी हो जाएगी, जे क्या हो जाएगी, बी हो जाएगी, ठीक है। समद्विबाहु त्रिभुज है, इसका क्या दिया हुआ, परिमाप दिया हुआ है, कितना दिया, 18 सेंटीमीटर है, यानी कि ए प्लस बी प्लस में ए, मतलब 2a और प्लस में b बराबर कितना दिया हुआ, 18 सेंटीमीटर दिया, ये तो दिया हुआ है, ठीक है। तो इसको कोई दिक्कत नहीं है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, परिमाप उसका सूत्र याद होगा, a a और प्लस b, तो 2a प्लस में b बराबर दिया हुआ 18 सेंटीमीटर, ठीक है। अब इसमें क्या करना है आपको, कि आधार पार्श्व भुजा क्या होती है, पार्श्व भुजा का मतलब होता है ये वाली भुजा, साइड वाली भुजा, ये वाली भुजा, आधार का मतलब होता है नीचे वाली, तो कितना अनुपात दिया, 7:4, यानी कि इसका मान 7 और इसका मान 7 और इसका मान कितना दिया, 4, लेकिन अनुपात में दिया है तो इसलिए हम मान लेते कितना है, 7x मान लेते हैं, और इसको मान लेते हैं 7x, इसको मानेंगे 4x, ठीक है। अब इसमें अभी देखें, यदि परिमाप दिया 18 सेंटीमीटर, तो इसको जोड़ दीजिए, कितना 7x प्लस में 7x प्लस में 4x बराबर में कितना दिया हुआ है, बराबर दिया हुआ 18 सेंटीमीटर, ठीक है। तो 7 × 2 = 14, 14 × 4 = 18, 18x बराबर में दिया हुआ 18 सेंटीमीटर, तो x बराबर कितना हो जाएगा, x बराबर होगा आपका 18/18, यानी कि x बराबर आ जाएगा 1 सेंटीमीटर, ठीक है, 1 सेंटीमीटर आ जाएगा। x बराबर कितना आएगा, 1 सेंटीमीटर, तो 7x बराबर कितना हो जाएगा, 7 × 1 = कितना हो जाएगा, 7,
और इसी प्रकार से इसका भी आ जाएगा सात, यहाँ पर चार बड़ा एक बराबर कितना हो जाएगा चार, इसका मान चार आ गया, इसका मान सात आ गया, इसका मान सात आ गया, ठीक है। तीनों भुजाएं आपको पता हो गई। अब आपको क्या निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है। तो क्षेत्रफल निकालने की क्या होता है, आपको चाहिए इसकी लंबाई। क्षेत्रफल निकालने का सूत्र क्या होता है आपको पता होगा, क्षेत्रफल निकालने का सूत्र क्या होता है, एक बटे दो आधार गुणित में ऊंचाई, ठीक है। तो ऊंचाई आपको पता नहीं है तो ऊंचाई आप निकाल लीजिए। तो ऊंचाई निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, ऊंचाई निकालने के लिए आप क्या कर दिए, कर्ण का वर्ग बराबर में लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, या फिर आधार का वर्ग प्लस में लंब का वर्ग, ठीक है। अब इसमें इसका मान रख दीजिए, तो कर्ण बराबर कितना दिया हुआ, सात दिया, तो सात का वर्ग कर दीजिए। इसके बाद में लंब, लंब आपको पता नहीं एच डाला है, यहाँ पर एच दिया है, तो इस एच का मान एच का वर्ग कर दीजिए, प्लस में आधार, आधार देखिए, आधार यहाँ पर जब आपको क्षेत्रफल निकालना हो तो पूरा आधार लीजिए। जब आपको इस भुजा की लंबाई निकालनी हो या फिर इसकी लंबाई निकालनी हो तो आपको इतना ही आधार लेना पड़ेगा। तो टोटल चार है, यहां से लेकर के यहां तक पूरा चार है, तो इतना कितना हो जाएगा, इतना होगा दो, इधर हो जाएगा दो, इधर हो जाएगा दो हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, दो का वर्ग हो जाएगा, ठीक है। अब दो का वर्ग यदि हो जाएगा तो यहाँ पर कितना होगा, सत्तर उनचास, सात का वर्ग कितना होता है उनचास, बराबर कितना होता है एच का वर्ग, और प्लस में आ जाएगा चार आ जाएगा। अभी इधर साइड जाएगा तो एच बराबर कर, एच बराबर एच का वर्ग बराबर कर दीजिए उनचास, को माइनस में कर दीजिए चार, उनचास में से चार जाएगा तो कितना बचेगा, 45 बचेगा, कितना बचेगा 45, तो एच का वर्ग बराबर कितना आ जाएगा 45 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको यदि आपको तोड़ना है तो इसको और कर दिए, एच का वर्ग बराबर कितना, अंडर रूट 45 कर दीजिए, ठीक है, अंडर रूट 45 कर दीजिए। अब इसको यदि आपको हल करना है तो इसको और आगे किस प्रकार से हल करेंगे, किस प्रकार से देखेंगे, किसको तोड़ सकते हैं, कौन कौन सी संख्या है इसके नीचे, 45 के नीचे कौन कौन सी संख्या का वर्ग होता है, ठीक है। तो यदि आप देखेंगे तो इसका यदि तोड़ेंगे तो कैसे करेंगे, एच का वर्ग, एच बराबर क्या कर सकते हैं आप, कैसे तीन तिरका नौ, नौ पना 45, ठीक है, तीन तिरका नौ, नौ नौ पना 45 हो जाएगा, तो तीन तीन इसमें कॉमन आ जाएगा, तो एच बराबर कितना आ जाएगा, एच बराबर जो आपका मान आ जाएगा 3√5, ये क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा का एक मान आ गया, ये इसका एच का मान आ गया, एच का मान आया अभी, ठीक है। अब इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए आपको क्या करना है, इस सूत्र पर रख दीजिए, तो एक बटे दो गुणित आधार, आधार दिया हुआ कितना, जब क्षेत्रफल निकालना हो तो पूरा आपको लेना है, तो कितना दिया हुआ है चार दिया हुआ है, और इसमें फिर दिया हो क्या, जे इसका मान रख दीजिए तो कितना 3√5, जे रख दीजिए मान क्या है, जे लंबाई का मान यहाँ पर आ गया 3√3√ आ जाएगा कितना 5, इसका मान हो जाएगा, ठीक है, 3√ यहाँ, ठीक है, 3√5 इसका मान है। तो इसका मान और इसका मान रखेंगे तो क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल निकल के आ जाएगा, तो दो एकम दो, दो दूनी चार, तो यहाँ पर आ जाएगा दो, दो तीन कितना हो जाएगा छः, 6√5 सेंटीमीटर स्क्वायर में ये है जो आपका क्षेत्रफल निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको सवालों को हल करना है। एक मैंने क्वेश्चन दिया है जो कि आपको होमवर्क के रूप में रहेगा, होमवर्क के रूप में इसको आप करिए, इसको जूझिए और देखिए, कॉन्सेप्ट लगाइए कि एक संद्विबाहु त्रिभुज पर शीर्ष से आधार तक खींचा गया लंब 8 सेंटीमीटर और परिमाप 64 सेंटीमीटर है, तो क्षेत्रफल क्या होगा इसका। ऑप्शन दिए हैं यहाँ पर 220 सेंटीमीटर स्क्वायर, 120 सेंटीमीटर स्क्वायर, 110 सेंटीमीटर स्क्वायर, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब क्या होगा वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, और वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर कर दे, लेकिन इसका कमेंट बॉक्स में कमेंट करना जरूरी है, और यदि नहीं बनता है तो फिर मुझे बताइए, मैं अगले वीडियो में इसको लेकर के आऊंगे, जो भी इसका वीडियो होगा, या फिर अलग से प्रैक्टिस सेट बना दूंगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आपका जो ये जो है कौन सा समद्विबाहु त्रिभुज कंप्लीट होता है। इसके बाद में देखते हैं विषमबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज किस प्रकार से होता है, उस पर किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं।